मेरे परिवारजनों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक व्यापक विजन वाला कानून है। इस कानून की ताकत तब बढ़ेगी जब समाज से लेकर परिवार तक हर स्तर पर महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के अवसर भी बढ़ेंगे। हमें ऐसा समाज तैयार करना है जिसमें नारी को आगे बढ़ने के लिए किसी के सहयोग की भी जरूरत न पड़े। इसके लिए कानूनी प्रयास भी जरूरी है और सांस्कृतिक मूल्यों को भी मजबूत करना जरूरी है। इसलिए इस कानून का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है। हालांकि कुछ लोगों को इसमें भी वंदन सबसे परेशानी है। अब माताओं बहनों को वंदन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जी? ये लोग नहीं समझ पाते कि नारी के वंदन का उसके सम्मान का अर्थ क्या है। लेकिन हमें इस तरह की नकारात्मक सोच से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। मुझे विश्वास है हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से देश अमृतकाल में इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, बड़े निर्णय लेता रहेगा।